दोस्तों जिरोजो ओवरली ने कहा था कि मिथ विच आर बिलीव्ड इनटू बिकम अ ट्रूथ, कि ऐसी मिथ जिनका हम विश्वास करते हैं कि वो कुछ समय में सच जैसी लगने लगती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 7 मिथ्स बात करने वाला हूं जो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप एजुकेशन के सही मायने पहचान लेंगे। तो ये चीजें सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। थोड़ा मैं डिटेल करता हूँ कि जो तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, मिथ एक झूठा विचार होता है जिस पर बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम कई तरह की सोशल, पॉलिटिक्स और एजुकेशनल मिथ से घिरे रहते हैं। उनका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं होता। पर जिस चीज को हम सच मानकर बैठ जाते हैं केवल समाज द्वारा बनाई गई है कि मिथ है। और दोस्तों यही चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बीमार करती हुई जा रही है। सही जानकारियां ना होने की वजह से हम और हमारे पेरेंट्स इस मिथ को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। आज मैं एजुकेशन के 7 टिप्स आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला मिथ दोस्तों ये है कि रेगुलर और कंपलसरी अटेंडेंस स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपलसरी अटेंडेंस पर जोर देते हैं, राइट है, ये बात होनी भी चाहिए। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स को ये नहीं पता है कि वो 21 सेंचुरी में रहते हैं। आज के टाइम पे टीचर और स्टूडेंट का आमने सामने बैठा होना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। डिजिटली इतना ज्यादा हम ग्रो कर गए हैं कि आज हम चीजें 4G में देख पाते हैं। टीचर जो भी ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने देखा होगा कि आज आप एक्टर और एक्ट्रेस के पिंपल्स गिन सकते हैं कि देखो इसके ये पिंपल छुपा रही, कितना ज्यादा ओवरले मेकअप किया हुआ है इसने। रीजन इज दैट कि हम 4K में उसकी वीडियो देखते हैं और हमें उसके चेहरे पे एक पिंपल भी दिखता है। दोस्तों आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बदल चुका है या बदलने की स्टार्टिंग पे है। कहते हैं ना बदल, अगर इस बदलाव के शुरू में अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं हमारा ही जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, स्टूडेंट आज क्या करते हैं, पहले लोग इसे करने के लिए 6 महीने के लिए अपने गांव से, शहर से, कस्बे से दिल्ली में आते थे। यहां पे आके पीजी में रहते थे, तकरीबन महीने का 10,000 रुपए खाने पीने पे खर्च। इंस्टीट्यूट वाला 6 महीने का तकरीबन 80,000 to 90,000 रुपीज ले लेता था। 6 महीने में आपका 60,000 वो हो गया, आपका पूरा दिन का टाइम वेस्ट यहाँ पे वो हुआ, लाइफ बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो गई एक कोर्स करने के लिए जो है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। आप आते हैं 6 महीना करके चले जाते हैं, अच्छी बात है, शायद वहां पे कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन कितना ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हुई। आज हमारी डिजिटल होने की वजह से आज हमारे हजारों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन मेरी 24 घंटे में किसी भी घंटे आधे से 1 घंटे दिन की क्लास लेते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और आज वो लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हैं। कोई यूट्यूबर्स बन रहा है, कोई ब्लॉगर बन रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटर बन रहा है। और आप सोच के दंग रह जाएंगे, ये लोग महीने का लाखों रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि डिजिटली चीजें हैं ही ऐसी, 0 इन्वेस्टमेंट पे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस मिशन में जुड़ना, तो मैंने सिर्फ नो प्रॉफिट लॉस पे रखा है 50,000 का कोर्स ओनली 10,000 में, और अभी सर्टेन टाइम के लिए 20,000 का एक और कोर्स है हमारा जो कि मैं 10,000 में ही इंक्लूड करके आपको दे रहा हूं ड्रॉप शिपिंग का। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग दोनों ही चीजें मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपीज में दे रहा हूं। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और दोस्तों ये मैं दावे के साथ इसलिए भी कह रहा हूं कि बहुत सारे बिलियनर और मिलियनर, अगर मैं बात करूं एडिशंस की, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब की, ऐसे लोग जिन्होंने साबित किया है मेरे दोस्त कि ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर के क्लास में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग मान सकता हूं कि चलो पुराने जमाने के थे, लेकिन आज के टाइम पे दोस्त अगर मैं एक एग्जांपल दूं, प्रोफेसर सुजाता मित्रा जिन्होंने 1 मिलियन का टेड प्राइज मिला हुआ है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए घर पे कंप्यूटर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे डेवलप कंट्री हैं जो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जिनमें कंपलसरी अटेंडेंस का रूल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर गलती क्या है इसमें, बच्चा स्कूल जा रहा है, एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है। बट क्या आप सोचिए कि एक बच्चा 6 दिन स्कूल जा रहा है, मंडे टू सैटरडे, अभी बहुत से स्कूल में सैटरडे, बहुत से क्या गवर्नमेंट सारे स्कूल में सैटरडे अभी भी। तो सोचिए सुबह अगर आप जा रहे हैं 7:00, दोपहर में आते हैं वहां से 3 बजे के करीब, कितना ज्यादा आपका टाइम ऑक्यूपाइड हो रहा है, तकरीबन 6 घंटे से भी ज्यादा। आप पूरा 6 घंटे 8 घंटे अप्रोक्स के करीब आप उसको स्कूल में जमाते हैं। क्या आपने 8 घंटे में वो वैल्यू ऑफ चीजें ली? ठीक है, अरे स्कूल जाना, बच्चों को स्कूल्स की नॉलेज होनी चाहिए क्या, लेकिन 6 दिन जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंप्लीट अटेंडेंस इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट फॉर सक्सेस। आपका सक्सेस होना आपके अटेंडेंस पर डिपेंड नहीं करता, इस चीज को आप अपने माइंड में डाल लीजिए।
और दोस्त एक सिंपल वर्ड में बात करूंगा कि जो रेगुलर अटेंडेंस वाला सीन है ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को खुद की क्षमता, खुद का जो अपना क्रिएटिविटी है ना, उसको मारता है कहीं ना कहीं। आपकी खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है इस रेगुलर स्कूल गोइंग में। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ लाइन जुड़ना चाहूंगा कि आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो आपकी बड़ी जीत हो सकती है। और दोस्तों ये हकीकत है कि अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो लोड नहीं लेनी, क्योंकि अब हर एक पसंद बढ़िया तो हो नहीं सकती ना हर एक की। और दोस्त ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर वापस नहीं आते। और अब दोस्तों जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने से स्टूडेंट ज्यादा सीखता है, एकेडमिक में अच्छा होता है और परफॉर्मेंस बढ़ती है। आज तक आपने सुना ना, बट मैं मानता हूं दोस्तों ये भी एक मिथ है कि ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना, लेस टाइम फॉर टीचिंग एंड मोर टाइम टू टेकिंग टेस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा कि कम पढ़ो ज्यादा टेस्ट दो, मैंने भी कई बार ऐसा कहा, बट दिस इज अ मिथ। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के कई स्कूल्स ने ये रेजोल्यूशन पास करा कि टेस्ट जो है वो बच्चों का गला घोट रहे हैं। आप सोचिए कि जब भी आपका टेस्ट आपके सामने आता है, आप क्या करते हैं? दैट टाइम यू जस्ट थिंकिंग अबाउट योर मार्क्स, कि किस तरीके से बस मार्क्स बढ़ा जाए, बाकी क्रिएटिव नॉलेज समझना भाई ये क्या तेल लेने, बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल फोकस्ड ऑन नंबर, ज्यादातर स्टूडेंट नंबर पे फोकस कर लेते हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आपस में क्रिएट करता है, एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन। आपने, मैं अभी इंडिया के कई टॉप स्कूल्स के बच्चे पढ़ाए मैंने, आप मानेंगे नहीं, वहां से एग्जामिनेशन कल्चर खत्म कर दिया। वहां से क्या हुआ, मंडे टेस्ट कट करो, जो मंडे टेस्ट थे दे हैव जस्ट गॉन थ्रू, हटा दिया वहां से, मंडे टेस्ट नहीं होगा। जरूरी है ये चीजें, आप बार बार बच्चों का टेस्ट लेके, ठीक है, आपस में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स के मन में ये चीजें भावना आती है कि भाई उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, नंबर्स 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 नंबर्स, हम कहीं ना कहीं नंबर में घूमते हैं और बच्चा उस ट्रैप में फंस जाता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस करिए। देखिए, अपने आप को अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये सारे वो तरीके हैं जो टीचर ने अपनाए हैं, जो उन्हें लगता है कि भाई इसके अलावा बच्चा और किसी तरीके से इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को ये बताया जाए कि यू जस्ट फोकस ऑन सम सर्टेन थिंग्स, आप अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि कुछ चीजों पे आपको पता ही नहीं होता कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। 99% स्टूडेंट अपनी एनर्जी, अपनी जो फोकस पावर है अपनी बॉडी की, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने अपनी मेंटल पीस को संभालते हुए 95% एनर्जी अगर एक चीज पे लगा दी, तो इस दुनिया का आपसे बड़ा विद्वान और कोई हो नहीं सकता। तो ये मार्क्स, ये नंबर्स, ये टेस्ट पेपर्स, दीज आर जस्ट हेल्पिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। टीचर का एक तरीका था, पर जरूरी नहीं कि जो तरीके पुराने दिन से चले आ रहे हो वो सही हो, राइट है, ये जरूरी नहीं है। तो सिंपल लॉजिक क्या है कि आपको हमेशा अपने आप पे फोकस करना है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, और किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट बनाना है वो नॉलेज। कहते हैं ना कि किताबें जो हैं वो दुनिया की किसी भी चीज का वेपन, सबसे बड़ा वेपन है। मेरे दो डिजिटल चीजें हूँ, डिजिटल आजकल हमारे पास आपके फोन में क्या नहीं है। सोचिए एक टाइम था जब हम तरस जाते थे एक वर्ड का वर्ड मीनिंग ढूंढने के लिए, किस लिए, यार डिक्शनरी नहीं है, अगले दिन जाओ रे डिक्शनरी खरीदो रे, वहां से ढूंढो रे, बहुत सारी चीजें। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, गूगल में हे गूगल या हे सीरी, एप्पल फोन्स में आप टाइप करके या गूगल में कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं। आज देखिए अभी आपको एक टों की आवाज आ रही होगी, व्हाट, मैंने हे सीरी बोला, मेरा एप्पल चालू हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आज हमारे पास सारी चीजें हैं, इसका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त समझना है, कहते ना चीजों की वैल्यूज को समझिए, जो चीज आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करिए। क्या आपने उसका 100% यूज किया है? सवाल पूछिए, जितनी भी चाहे वो किताबें हों, डिजिटल आपके पास इतने सारे कोर्सेस हों, अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है तो क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं? बहुत सारे मेरे ऐसे भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं जो मेरे कोर्स को ज्वाइन है, तो क्या आपने सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, आप एवरी डे आप वीडियो को वॉच करते हैं, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? ये भी सवाल है एक्चुअली, क्योंकि मैंने जब फिजिकली पढ़ाया तो मेरे पास 99 वाले बच्चे थे, 44 वाले बच्चे भी थे, 44 वाला तो मुझसे ही पढ़ के गया ना यार, उसने 44 क्यों लाए? अगर मेरा योगदान 99 में कंप्लीट था तो 44 में भी रहा होगा, उसे मैंने 99 क्यों नहीं दिलाया? तो कहीं ना कहीं बच्चे की अपनी खुद की क्रिएटिविटी थी जिसमें वो फेल रहा, उसने वो चीज अचीव नहीं करी। तो दोस्तों आपको भी समझना है यहाँ पे कि जो भी चीजें हों, अगर आपके पास रिसोर्स है, चाहे लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी चीजें हों, उसका सही पूरी पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करिए। बस
बाकी के रिमेन मिथ्स जो हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। समय की पाबंदी होती है, इसलिए तो मैं वीमेक क्रिएटर्स चैनल पे भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि अभी तक आपने एडवांस डिजिटल फ्यूचरिस्टिक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, सोचिए कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे लोग खरीद लेते हैं, सिंपल डिजिटली जाते हैं, लाखों करोड़ों का चैनल बनाते हैं, सेल आउट करके निकल जाते हैं। आपको पता है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स करोड़ों में बिकते हैं, 70-70 करोड़ रुपए में। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली थी कि सर एक सेल्फी लेने के बाद जाके चैनल बनाया और 70 करोड़ में चैनल बेचा है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट। तो आप क्यों नहीं कर सकते यार, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 80% डिस्काउंट चल रहा है दिए हुए नंबर पे, आप बिल कॉल करिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।